Namaskar guys and welcome back to my channel. I'm Surbhi, Indian girl in Europe and I make videos related to Germany, related to Europe. तो आज का जो टॉपिक है टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा, इट्स अबाउट कि रिसेशन के टाइम पे जर्मनी जो है या अभी का जो टाइम है, अभी की जो सिचुएशन है वो कैसे टैकल कर रही है, या दे आर मैनेजिंग गुड और दे आर नॉट मैनेजिंग गुड, वॉट एवर इट इज़. तो वीडियो उसी के बारे में है. एंड आपको पता ही होगा 2008 में भी रिसेशन हुआ था और सिचुएशंस बहुत ख़राब हुई थी. एंड उस टाइम पे जर्मनी ने बहुत ही अच्छी तरीके से टैकल कर पाया था. अगर मैं कंपेयर करूँ टू अदर कंट्रीज़ तो जर्मनी ने बहुत अच्छे से टैकल किया था. एंड नाउ इट्स 2020 में ऑलरेडी ही जर्मनी में रिसेशन था. जर्मनी नहीं, बाकी भी बहुत सारी कंट्रीज़ में रिसेशन था बिकॉज ऑफ ऑटोमोटिव, प्लस कोरोना जो क्राइसिस है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज आ गए हैं इकोनॉमिकली. तो यहाँ पर जो रिसेशन है वो मतलब हाई स्टेज पर है. तो अब मैं आपको ये बताती हूँ, जो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि शायद इस पर्टिकुलर 2020 के टाइम फ्रॉम 90,000 टू 3 मिलियन लोग कैन बी जॉबलेस. सो दिस इज़ द सिचुएशन, कैन बी, ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर, उस आर्टिकल में ये लिखा था. चलो वो ये तो रही आर्टिकल की बात. अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा टर्म जो शायद आपको रिसेंटली बहुत सारी जगह सुनने में आ रहा होगा, मे बी सोशल मीडिया में, मे बी पॉलिटिशियंस आर टॉकिंग अबाउट, मे बी आपकी कंपनी उसके बारे में बात कर रही होगी. इट्स द टर्म कॉल्ड कुर्ज़अर्बाइट. कुर्ज़अर्बाइट जो शायद आपने बहुत बहुत रिसेंटली सुना होगा. कुर्ज़अर्बाइट का मतलब होता है शॉर्ट टाइम वर्किंग या शॉर्ट टाइमिंग वर्क. इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है और जर्मनी क्या कर रही है अभी 2020 में जब इतनी ज़्यादा इकोनॉमिकल इश्यूज आ रहे हैं? तो इट्स अबाउट कि रिसेशन के टाइम पे क्या होता है. रिसेशन इज़ ऑल अबाउट कि आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, सर्टेन बंच ऑफ पीपल जॉब से निकाल दिया जाता है. ऐसा ना हो तो गवर्नमेंट ने एक जो स्टेप बताया है कि यार शॉर्ट टाइम काम करने लगो. लाइक शॉर्ट टाइम वर्क इज़ लाइक कि आप अपने जो एम्प्लॉय हैं उन्हें बोलो कि यू जस्ट वर्क फॉर 50% और मे बी 10 to 80%, जितना भी उन्हें शॉर्ट टाइम करना है. मे बी वो आपसे बोल दें 10%, 20%, 50%, वॉट एवर इज, तो उतना अमाउंट विल पे, लाइक एम्प्लॉयर विल पे टू यू एंड द रेस्ट इज, जितना भी रेस्ट होगा हाफ का, 60% जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी. अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाती हूँ ये कैसे होगा. लाइक फॉर अ केस मे बी समवन सैलरी इज़ 2,000 यूरो पर मंथ एंड जो उसकी कंपनी है उसने डिसाइड किया है कि जो 50% है उसका काम कम कर दें. 50% काम कम कर दें मतलब अगर वो महीने में 20 दिन काम कर रहा है तो अब उसे बोल दिया गया है कि तुम्हें 10 दिन ही काम करना है. अब क्योंकि उसका 50% काम कम हो गया है तो जो कंपनी है उसको सिर्फ 50% पे करेगी, लाइक 2000 में से 1000 यूरो जो है उसे पे करेगी. अब जो रिमेनिंग 1000 है उसका 60% जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी. तो जो 1000 का 60% है दैट विल बी लाइक 600 यूरोज. सो 1000 + 600 विल बी 1600 यूरोज. एंड लाइक तो आपको अगर 1600 यूरोज मैं देखूँ तो वो 80% होता है. तो आपको 80% जो है वो सैलरी मिल रही है जबकि आप जो काम कर रहे हो वो कर रहे हो 50%. ये केस टू केस डिपेंड करता है कि आपका जो शॉर्ट टाइम है या आपका जो अर्बाइट कितना कम कर दिया है, ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है. ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया. तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टेप. मैं मतलब ये बोल सकती हूँ कि ये विन विन सिचुएशन है एम्प्लॉय के लिए भी, एम्प्लॉयर के लिए भी, इवन द गवर्नमेंट के लिए भी. एम्प्लॉयर के लिए इसलिए क्योंकि मे बी रिसेशन के बाद उन्हें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और उन्हें फिर से न्यू प्रोसेस स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी ज़ीरो से. गवर्नमेंट के लिए भी क्योंकि वो बहुत जो अच्छे स्किल्स एजुकेटेड लोग होंगे वो यहाँ से ना जाएं या वो अपना जो काम है वो ना उनका इफ़ेक्ट करें. एंड एम्प्लॉयज़ के लिए भी बिकॉज उन्हें एटलीस्ट 80% सैलरी मिल रही है एंड दे कैन लिव कंफर्टेबल लाइफ हेयर इन दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन, बिकॉज दिस सिचुएशन इज़ डिफ़िकल्ट वर्ल्ड वाइड और हर जगह ऐसी इशू आ रहा है. तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोसेस जो मैंने यहाँ देखी. इन माई कंट्री ऐसा नहीं होता, लाइक इंडिया में ये
पर्टिकुलर चीज नहीं होती है, ये पर्टिकुलर टर्म नहीं होता है. मे बी इन योर कंट्री जो आप देख रहे हो उनमें से किसी को होता होगा, आई डोंट नो, बट दिस इज़ अबाउट जर्मनी जो ऐसा कर रहा है और जो सस्टेन कर पा रहा है. अब हमें नंबर तो नहीं पता कि इस रिसेशन के बाद या इस रिसेशन में कितने लोग जो हैं अपनी जॉब खोएंगे, पर एटलीस्ट जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों को थोड़ा तो सा रिलीफ है, थोड़ा रिलीफ है कि शायद अभी कुछ सिचुएशंस इतनी ख़राब नहीं होने वाली. ऑब्वियसली कुछ लोगों को इफ़ेक्ट करेगा, बट अगेन सब लोगों को इफ़ेक्ट नहीं करेगा. छोटी छोटी कंपनीज़ हैं वो भी सस्टेन कर पाएंगी इस पर्टिकुलर मॉडल से, जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो भी सस्टेन कर पाएंगी, प्लस गवर्नमेंट है उसको भी इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा. तो दैट्स अबाउट द कुर्ज़अरबाइट. मे बी आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा इस वीडियो के थ्रू. इफ़ यस देन लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना. और जो भी लोग नए जर्मनी आने वाले हैं या जर्मनी में रह रहे हैं उनसे शेयर करना मत भूलना. मे बी दिस पर्टिकुलर वीडियो विल हेल्प देम आउट एंड दिस आइडिया कैन ऑल्सो हेल्प इन योर कंट्री. सो बाय बाय, टेक केयर.